हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज़ ऋतिक रोशन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग बजट ऊपर। तो आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली मैं आया हुआ हूँ अभी घूमने के लिए अहमदाबाद में एक और न्यू जगह पे, जिस जगह का नाम है बाई हरीर की वाव। ये पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने इसका नाम सुना होगा, काफ़ी कम लोगों ने सुना है। तो आओ इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कितना ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर। ये एक आर्किटेक्चरल जगह है और काफ़ी अच्छी एक स्टेप वेल है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके दीवार पे जो क्रेविंग्स है, जो आर्ट बने हुए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। छोटी सी जगह है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, तो बने रहें। सो अभी हम लोग ऊपर से नीचे तक आए हैं, अभी और नीचे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है, तो आप अभी और नीचे अंदर जा सकते हैं। तो अभी बीच में मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हो मेरे पीछे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम शांत जगह है ये। तो अगर आप आ सकते हो तो आप आ सकते हो, आप आना चाहो तो। तो चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या होता है, फिर मैं इस जगह के बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि कब बना था और कैसे हुआ था। तो चलो आगे और चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या करने को होता है, क्या क्या और दिखता है। चलो चलते हैं। सो आप लोगों में से अगर किसी को नहीं पता कि स्टेप वेल क्या होता है, तो बता दूं कि एक ऐसा कुआं होता था पहले के टाइम में, कि काफ़ी बड़े जगह होते थे और इस तरह के, और जहाँ पे पानी स्टोर करके रखा जाता था, क्योंकि राजस्थान और गुजरात एरिया में ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है, तो काफ़ी टाइम से ही है। तो वो लोग पानी ऐसे ही स्टोर करके रखते थे, और ये इस तरह से बड़ा प्लेस होता था कि यहाँ पर काफ़ी छाँव भी होती थी, जिसके कारण वो सूखता नहीं था इसीलिए। और फिर वो स्टेप्स बने होते थे जिससे चल करके लोग आते थे और यहाँ से पानी निकाल के ले जाते थे, और काफ़ी बड़ा होता था क्योंकि बड़े जगह चाहिए, तो इसलिए इस तरह से उसे बनाया जाता था। तो ये जो जगह है ये भी काफ़ी सुंदर है, देख सकते हो आप एकदम ऊपर, देख सकते हो ऊपर से जा कर के नीचे भी काफ़ी गहरा है, यहाँ पर मेरे जस्ट पीछे ही देख सकते हो। सो चलो चलते हैं और देखते हैं, और अभी नीचे और अंदर तक जाना है, देखते हैं कि और अंदर कैसा लगता है। अभी तो यहाँ एकदम छाँव है और नीचे और ठंडा भी और लगने का हो सकता है और लगेगा, तो चलते हैं देखते हैं, और ठंडा भी होगी तो देखते हैं, मज़ा आता है या नहीं। अभी तक तो अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझको हिस्टोरिकल प्लेस वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलो ऐसे आर्किटेक्चर देखने में अच्छा ही है, अगर आपको भी अच्छा लगे ये जगह तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। तो चलो चलते हैं देखते हैं बैक कैमरा से, ये एज को देख सकते हो, इसी से चल करके अभी यहाँ से जाना है, तो थोड़ा है तो रिस्की लेकिन डर के आगे जीते। चलो लोग देख सकते हैं, कुछ लोग तो डायरेक्ट ऐसे ऐसे ही चले जा रहे हैं, उनके अंदर जैसे देख सकते हो यहाँ पे पानी भी आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, तो चलते हैं वहाँ पे भी। चलो अभी आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। आप देख सकते हो कितना अच्छा कार्विंग्स है यहाँ पे, और ये है वो वाव का जो मेन जगह होता है,
जहाँ पे पानी स्टोर होता था वो एरिया है। पहले तो पानी काफ़ी ज़्यादा, आपको चमगादड़ भी नज़र आ रहे होंगे शायद, क्योंकि मुझको नज़र आए थे अभी एक दो। देखो बैट्स हैं यहाँ पे, चलते हैं। हेलो, सो पीछे देख सकते हो एक चेम्बर की तरह दिख रहा है। चलो सीढ़ी है, चढ़ते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है। नीचे तो कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है इसके लिए, इधर नहीं जाऊँगा, ऊपर ही चलते हैं। ये यहाँ पे सीढ़ी भाई, सीढ़ी से भी आने का एक रास्ता है। तो वो सीढ़ी जिससे हम ऊपर आ सकते हो, लेकिन थोड़ा देख के, क्योंकि बहुत स्पूकी है और काफ़ी पतले हैं। और यहाँ पे चित्रकारी के अलावा लोगों ने अपनी मॉडल चित्रकारी भी की हुई है, देख सकते हो अपना नाम लिखा हुआ है। ऐसे मत करो यार, अच्छे अच्छे जगह को ख़राब करने के लिए हम लोग इतना आपको क्रेडिट दे सकते हैं। चलो इसे इग्नोर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे, और नीचे की तरफ चलते हैं मेन पानी के पास में, चलते हैं। एक बात तो है, ये जगह बहुत ज़्यादा ही एजी है, अगर ठीक से चलोगे नहीं तो सीधा नीचे जराम हो जाओगे। तो चलो, और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सुंदर है, सही जगह मेरे हिसाब से सही है। अगर आप अकेले भी आ रहे हो तो भी आपको यहाँ पे काफ़ी टाइम आपका आराम से चला जाएगा सिर्फ इस जगह पे घूमते हुए। और काफ़ी ज़्यादा ही लंबा है, एटलीस्ट 1, 2, 3 एटलीस्ट 4, 5th फ्लोर जितना ही नीचे गया रहा है, 5th to 6th फ्लोर एटलीस्ट। चलते हैं सबसे लास्ट फ्लोर पे। सो अभी मैं कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अब जस्ट हम लोग नीचे सबसे लास्ट फ्लोर के पास पहुंच गए, जहाँ पे यहाँ पे पानी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैट्स हो सकते हैं क्योंकि ये सबसे लास्ट ऑलमोस्ट है, और ये भी पानी यहाँ पे है। बैक कैमरा से बात है, देखते हैं। ये यहाँ की पे पानी है, पहले यहीं पे से ही लोग पीते होंगे यहाँ पे, और ऊपर तक उस टाइम पानी का लेवल होता होगा। और अगर आप राजस्थान या फिर गुजरात साइड ज़्यादा जानते हो तो के बारे में, तो इस टाइम आपको पता होगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह से पहले वाव बनाए जाते थे, ऐसे स्टेप वेल्स। तो आप देख सकते हो ऐसे और भी कई सारे स्टेप वेल्स हैं अगर घूमने का मौका मिला तो, वरना वैसे तो मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ कुछ दिन के बाद, फिर अगर फ्यूचर में आता हूँ तो और भी कई सारे कवर करेंगे। सो होप करता हूँ आपको ये सब देखने में मज़ा आ रहा हो। सो फिर से बोलता हूँ, अगर मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलो अब चलते हैं। सो दोस्तों, अब बात करते हैं इस जगह की हिस्ट्री के बारे में। तो इस जगह को बनाया था महमूद बिगाड़ा ने, और 1499 में इस जगह को बनाया गया था। और उसके अलावा उनकी जो समाधि है वो भी यहीं पे एक मॉस्क बनाया गया है ऊपर में, दूसरी तरफ है, तो वहाँ पर उनकी समाधि भी है। तो अगर आप आओगे तो आप चाहो तो वहाँ भी जा सकते हो। और ये पूरा आपने देखा कि
की एक वाव है और काफ़ी ठीक है। अहमदाबाद में मेन जो स्टेशन है यहाँ का रेलवे स्टेशन, वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है ये। तो आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो यहाँ आकर के विज़िट कर सकते हो। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस वक्त घूमने के लिए, मैं जब आया हुआ हूँ तब भी। तो काफ़ी अच्छा जगह है, शांत है। और हाँ, यहाँ पे चमगादड़ बहुत ज़्यादा है, यानी बैट्स। अगर डर लगता है आपको तो आप बैटमैन बन सकते हो, या फिर अगर चमगादड़ ने आपको किसी तरह का बीमारी, आप ठीक होना चाहते हो चमगादड़ के DNA से, तो आप मोरबियस बन सकते हो। सो आपकी मर्जी। अरे जोक्स अपार्ट, तो ये पूरा प्लेस आपने देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हो तो भी वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। तो ये है वो मॉस्क, और यहाँ पे ही वो टूम्ब है जिन मोहम्मद बलबेज की, जिन्होंने इस जगह को बनवाया है। सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे नाम रिटर्न आ जाएगा, आप लोग प्रोनाउंस कर लेना। और ये है वो प्लेस, आप लोग देख सकते हो।